हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाईफाई ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। जानेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरों को हमारे केंद्र सरकार ने जारी किया है। दोस्तों बता दें कि अब से हमारे केंद्र सरकार ने इन सभी राज्यों में बहुत ही ज्यादा सख्ती बरतने का ऐलान कर दिया है। और इन राज्यों में हमारे केंद्र सरकार ने आज से 24 मई 2021 तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। तो आखिरकार हमारे भारत में कौन कौन से राज्य हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा सख्ती बरतने का ऐलान किया जा चुका है, इसको जानेंगे पूरी बड़ी खबर विस्तार से। और इसके अलावा आज के इस बड़ी खबर में हमारे भारत देश में एक और बीमारी आ चुकी है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। और दोस्तों मैंने कल आपको अपने मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज की अपडेट की वीडियो में ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी दिया था, लेकिन आज हमारे वैज्ञानिकों के रिसर्च में ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर के बहुत ही बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है, इसको भी जानेंगे पूरी बड़ी खबर विस्तार से। और इसके अलावा आज के इस खबर में बोर्ड परीक्षार्थियों को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसको भी जानेंगे पूरी बड़ी खबर विस्तार से। और इसके अलावा आज के इस बड़ी खबर में हमारी केंद्र सरकार की तरफ से सभी गरीबों को बिल्कुल भी फ्री में राशन दिया जाएगा, इसको भी जानेंगे। और इसके अलावा आज के इस बड़ी खबर में चक्रवाती तूफान को लेकर के आज बहुत ही बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, इसको भी जानेंगे पूरी बड़ी खबर विस्तार से। और इसके अलावा आज के इस खबर में हमारे भारत की सरकार ने सभी किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 8वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया है। अगर आपके बैंक खाते में आपको पीएम किसान योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला है तो आपको यह काम करना होगा, इसके बारे में हम आपको पूरी बड़ी खबर विस्तार से बताएंगे। और इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट खबर को जारी किया गया है, सभी जानकारी को हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के सभी जानकारी को देख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो के एकदम अंत तक और पूरा लास्ट तक देखते रहेगा, है ना। चलिए सीधे बात करते हैं बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल घंटे को दबा करके हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की जानकारी अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर मिल पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गवाने चलता हूं आपको आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स बता दें आपको कि हमारे दिल्ली में 24 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बात कुछ यूं है ना कि हमारी राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण का खतरा अब बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन इससे हो रही मौतों का आंकड़ा हमारे दिल्ली राज्य में अभी भी 100 के पार हुआ है। इसीलिए हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हमारे दिल्ली राज्य में आज से लेकर के और आपके 24 मई 2021 तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों इसके अलावा कल मैंने आपको अपने मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज की अपडेट की वीडियो में भी जानकारी बता दिया था कि हमारे यूपी बिहार और आपके बंगाल राज्य में भी 24 मई 2021 तक लॉकडाउन लग चुका है। और आज हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अपने दिल्ली राज्य में 24 मई 2021 तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी सावधान रहें, अपने घरों से आप बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, बहुत जरूरी काम हो तो ही आप अपने घरों से बाहर निकलें, वरना अपने घरों से आप बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। और चलिए इसी के साथ अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दोस्तों बता दें कि हमारे ब्लैक फंगस का बहुत ही ज्यादा प्रकोप बढ़ रहा है और हमारे 16 मरीज भर्ती भी हो चुके हैं, और इससे हमारे सावधानियां बरतने के लिए हमारे वैज्ञानिकों की रिसर्च में बहुत ही भयंकर खुलासा निकल कर आया है। तो फ्रेंड्स बता दें आपको कि हमारे कोरोना महामारी की तरह हमारे भारत देश में एक और बीमारी का खतरा बहुत ही ज्यादा फैल रहा है। और दोस्तों बता दें कि सबसे पहले जहां पर यह बीमारी फैला है वो हमारे यूपी के लखनऊ शहर में पूरी तरह से फैल चुका है। और बता दें आपको कि हमारे यूपी के लखनऊ शहर में अब तक 16 मरीज हमारे ब्लैक फंगस के चपेट में आ चुके हैं। और दोस्तों इसका खतरा बिल्कुल सेम टू सेम, यानी कि जैसे आपके कोरोना वायरस का खतरा फैल रहा है सेम टू सेम आपके ब्लैक फंगस का खतरा भी फैल रहा है। तो इसीलिए मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं पर भी बाहर घूमते हैं तो आप बिल्कुल भी अपने घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि हमारे भारत देश में इतने ज्यादा आपके कोरोना के संक्रमणों की मरीजों की संख्या मिल रही है। और इसके अलावा हमारे भारत देश में एक और बीमारी आ चुकी है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। तो आप इन सभी बीमारियों से सावधान रहिएगा, क्योंकि हमारे भारत देश में लगातार आपके कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में आप इस समय किस राज्य और किस शहर से आते हैं, अपने राज्य और अपने शहर की जानकारी हमें नीचे कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ताकि आपके राज्य की कोई भी कोरोना या लॉकडाउन या ब्लैक फंगस की कोई भी ताजा या छोटी या बड़ी खबर आएगी तो सबसे पहले मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर आपको जाहिर कर दूंगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दोस्तों बता दें कि हमारी यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 यानी कि दोस्तों बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ चुकी है, और अब से हमारे यूपी राज्य में 20 मई 2021 से आपके ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आप भी यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने हमारे यूपी में कोरोना महामारी को देखते हुए भी हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने 10वीं और 12वीं का एग्जाम कराने का फैसला कर लिया है। और दोस्तों आने वाले आपके इसी 20 मई 2021 से आपके 10वीं और 12वीं का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों यूपी के सभी 10वीं और 12वीं के छात्रों को घर पर ही ऑनलाइन रिवीजन कराया जाएगा। और इसके बाद आने वाले 5 जून 2021 से हमारे यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी 10वीं और 12वीं के छात्र हैं तो आने वाले 20 मई 2021 से आपके घर पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद आने वाले 5 जून 2021 से हमारे यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का परीक्षा भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आप इस समय किस राज्य और किस शहर से बिलोंग करते हैं, अगर
अगर दोस्तों आप खासकर यूपी से आते हैं और अगर आप दसवीं और बारहवीं के छात्र हैं तो इतनी बात हमें नीचे कमेंट सेक्शन में यस करके जरूर बता दीजिएगा। और चलिए इसी के साथ अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दोस्तों बता दें कि हमारी केंद्र सरकारों का राज्य सरकारों पर बड़ा निर्देश, अब सभी दिन देर तक खुली रहेंगी आपकी सरकारी राशन की दुकानें, गरीब को मिलेगा अब फ्री में अनाज। जी हां दोस्तों, दरअसल हमारे भारत की सरकार ने आज बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। अगर दोस्तों आप भी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो अब से आपको अपने राशन की दुकान से आपको फ्री में अनाज भी मिलेगा और इसके साथ ही साथ आपकी दुकानें देर तक खुली भी रहेंगी। तो ये बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर निकल कर आ रही है क्योंकि हमारी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से बड़ा निर्देश ले लिया है। और अब से दोस्तों अगर आप चाहे किसी भी स्टेट से आते हैं, भारत के चाहे किसी भी राज्य से आते हैं, तो अब से आपको बिल्कुल भी 3 महीने तक फ्री में राशन भी मिलेगा और इसके अलावा आपकी सभी सरकारी राशन की दुकानें आपकी देर शाम तक खुली रहेंगी। तो ये बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर निकल कर आ रही है क्योंकि हमारी केंद्र सरकार ने सभी गरीबों को बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। अगर दोस्तों आपके पास कोई सा भी राशन कार्ड है तो आपको बिल्कुल भी 3 महीने तक फ्री में राशन मिलेगा और इसके अलावा आपकी सभी राशन की दुकानें देर शाम तक खुली रहेंगी ताकि आप आसानी से अपना फ्री में राशन ले सकें। और चलिए इसी के साथ अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दोस्तों बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 8वीं किस्त का पैसा हमारे केंद्र सरकार ने ट्रांसफर कर दिया है। अगर आपके बैंक खाते में अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है तो आपको यह काम करना होगा और दोस्तों जैसे ही आप यह काम कर देंगे तो आपके बैंक खाते में मात्र 2 से 3 दिन में आपका पीएम किसान योजना का पैसा आ जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इस ईमेल आईडी पर आपको मेल करना होगा, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर ईमेल आईडी लिखा हुआ है pmkisan.ict@gov.in। दोस्तों आपको इसी ईमेल पर अपना मेल करना होगा। और दोस्तों अगर आपको मेल करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, जैसा कि आपके सामने टोल फ्री नंबर भी लिखा हुआ है 1800115526। यानी कि दोस्तों आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आपको ईमेल कैसे करना है। तो ये कुछ हमारी केंद्र सरकार ने सभी किसानों के लिए बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है और लगभग हमारे भारत की सरकार ने 9 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 8वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिए हैं। और चलिए इसी के साथ अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दोस्तों बता दें कि हमारे चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर अलर्ट हुआ जारी, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, दरअसल हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार हमारे मौसम को लेकर के हमारे वैज्ञानिकों और मौसम की जानकारी देने वाली एजेंसी से यह पूरा साफ हो चुका है कि हमारे भारत देश में तौकते का तूफान आने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भारत के चाहे किसी भी राज्य से आते हैं तो आपको 18, 19 और 20 मई तक आपको अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हमारे दिल्ली NCR से लेकर के और लगभग हमारे भारत के 20 राज्यों में हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहे किसी भी राज्य और किसी भी शहर से आते हैं तो आप बिल्कुल भी अलर्ट रहेगा क्योंकि हमारे भारत देश में वैसे ही कोरोना का खतरा और एक और बीमारी आ चुकी है जिसका नाम है ब्लैक फंगस, जिससे हमारे काफी लोग परेशान है। और इसी बीच यह खबर निकल कर आ रही है कि हमारे भारत में 20 मई 2021 तक तौकते का चक्रवाती तूफान आने वाला है। तो बस आज आपको इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपके मन में इन खबरों से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी खबरों के साथ आज का यह मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज यहीं पर फिनिश होता है। मिलता है एक और टुडे ब्रेकिंग न्यूज की अपडेट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।